हेलो वर्गोस, कन्या राशि, ये आपकी जुलाई मंथ की प्रेडिक्शन है। आप इसे सन मून असेंडेंट किसी भी साइन से देख सकते हैं। ओके वर्गोस, तो आपके लिए गाइडेंस आ चुके हैं। तो आपका जुलाई मंथ काफ़ी चैलेंजिंग रहता हुआ नज़र आ रहा है। आपके किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए नज़र आ रहे हैं, और साथ साथ दी एम्प्रेस का कार्ड भी आया है, तो ये आपको एक ग्रोथ देता हुआ भी नज़र आ रहा है जुलाई मंथ। आपके किसी के भी साथ इस टाइम पर अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको कामली और पेशेंसली इस चीज़ को डील करने की ज़रूरत है। चाहे आपके कॉन्फ्लिक्ट आपके किसी पर्सन के साथ हो रहे हों, या कोई ऐसी सिचुएशन बन रही हो जिसमें आपको काफ़ी टेंशन मिल रही है, काफ़ी आप ड्रेन फील कर रहे हैं, तो आपको सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है, और बहुत ही समझदारी के साथ आपको सिचुएशन को डील करना है। एम्प्रेस कार्ड स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी भी शो करता है, तो हो सकता है कुछ वुमेन कंसीव कर सकती हैं इस टाइम पर, और ये भी हो सकता है कि आप प्रेगनेंसी को लेकर आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हों आपके पर्सन के साथ। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको खुद को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। ये मंथ आपके लिए ग्रोथ भी ला रहा है, और किसी चीज़ की आपको अवेयरनेस भी मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो काफ़ी टॉक्सिक है, या फिर आपकी फैमिली में कोई हो सकता है, या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिसमें आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है और प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ को जानने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को पहले प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, और अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, और आपको अपनी इंट्यूशन के सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगी। फर्स्ट द हैंगमैन एंड सेकेंड इज किंग ऑफ सॉर्ड। वर्गोस, आप जुलाई मंथ में कॉन्टम्पलेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप कुछ एक्शन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये आपके प्रोफेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। आप कुछ बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो इसलिए आपने थोड़ा पॉज ले रखा है अपनी लाइफ में, और आप सारी सिचुएशंस को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हुए नज़र आ रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स, आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ कुछ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कुछ सक्सेस आपको मिली है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी गैदरिंग में जा रहे हैं, किसी की वेडिंग अटेंड कर रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड से नज़र आ रहा है कि आप कुछ करने की सोच रहे हैं, बट उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। पहले भी हैंगमैन से नज़र आ रहा था कि आपने लाइफ में एक ब्रेक लिया हुआ है, आप किसी चीज़ के बारे में काफ़ी कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं, बट कोई एक्शन आप लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है आप ट्रैवलिंग करने के बारे में सोच रहे हों, या फिर कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं अपने करियर में। हो सकता है कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बट आप कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो आपको थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, और जो भी आप करना चाहते हैं उसे उसमें एक एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। वाओ, आप एक्शन ले रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि आप एक्शन ले रहे हैं। अब आप कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस के साथ एक एक्शन ले रहे हैं। पहले आप काफ़ी सोच रहे थे, आप कुछ एक्शन लेना चाह रहे थे किसी चीज़ में, बट आप ले नहीं रहे थे। बट फिर आपकी एनर्जी में नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी बोल्डनेस और कॉन्फिडेंसली एक्शन ले रहे हैं। कुछ बड़ा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में। सेवन ऑफ कप्स, आप काफ़ी कंफ्यूज होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पास हो सकता है काफ़ी ऑप्शंस आ सकते हैं आपके करियर में, या फिर आपकी लव लाइफ में, तो आप थोड़ी कंफ्यूज होते हुए नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस एंड अपनी मेच्योरिटी के साथ सही डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस भी चीज़ में आप कंफ्यूज हो रहे थे। 10 ऑफ कप्स, हो सकता है वर्गोस आपकी
लव लाइफ या मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों, तो आपको इमोशंस एंड मैच्योरिटी के साथ अपने रिलेशनशिप को डील करने की ज़रूरत है, या फिर आप किसी से काउंसलिंग भी ले सकते हैं। हो सकता है आप किसी बड़े से गाइडेंस भी ले रहे हों। आप काफ़ी ओवरथिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सैड भी नज़र आ रहे हैं आप। तो वर्गोस, अगर आपकी रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आपको किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। हो सकता है आप अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, इसकी वजह से आप काफ़ी एनजाइटी में नज़र आ रहे हो, काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, काफ़ी स्ट्रेस नज़र आ रहे हो। तो वर्गोज, अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप किसी ऐसे पर्सन से अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं। ये आपके घर के कोई बड़े भी हो सकते हैं, और अगर ऐसा कोई नहीं है आपके पास, तो आप किसी काउंसलर से भी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, इसी वजह से शायद आप काफ़ी एनजाइटी में नज़र आ रहे थे और काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे थे। तो आपसे बोला जा रहा है आपकी लाइफ का एक फेज एंड हो रहा है और एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है जो काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। तो इस वक्त जितना हो सके आपको स्पिरिचुअल होने की, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। दी टेम्परेंस, टेम्परेंस कार्ड भी यही शो करता है कि आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है, और जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, उसे यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए और गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड पहले आपकी गाइडेंस में भी आया था, तो हो सकता है आपके किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो जो भी गाइडेंस मैंने आपको स्टार्टिंग में दी थी, वो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। आपको सारी सिचुएशन को मेच्योरिटी और पेशेंस के साथ डील करने की ज़रूरत है। एस ऑफ पेंटिकल, तो एस ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आपके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, और जिसमें आपको थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि इसमें काफ़ी कंपटीशन है, बट आपको कॉन्फिडेंटली इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, तभी आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। द मैजिशियन, आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जिस भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आती हुई नज़र आ रही है आपके पास। तो आपको पॉजिटिव सोचना है इस टाइम पर, क्योंकि जो भी आप सोचेंगे वही चीज़ आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। बॉटम हैवी डेक में आया है दी हाई प्रिस्टेस। तो आपको किसी भी चीज़ को लेके नर्वस नहीं होना है। जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, उसको एक्सप्लोर कीजिए। चाहे कोई न्यू रिलेशनशिप हो, चाहे कोई न्यू जॉब हो, किसी से भी आपको घबराना नहीं है। आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए इस चीज़ में एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुने, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड, थ्री ऑफ सॉर्ड, हो सकता है आप कुछ पेनफुल फील कर रहे हैं इस वक्त, जिससे बाहर निकलने के लिए आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे आपको खुशी मिलती है। हो सकता है आप अपनी हॉबीज़ को फॉलो कर रहे हों, कुछ ऐसी चीज़ों को आप कर रहे हैं जिससे आपको खुशी मिले, और ये अच्छा भी है। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि अपने आप से कनेक्ट कीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। आपकी गाइडेंस में भी यही आया था स्टार्टिंग में। फोर ऑफ वॉन्ड, एक तरफ आप काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप काफ़ी सैड नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और आपके करियर में आपको कुछ सक्सेस मिल रही है, तो आप दोनों को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अपनी लाइफ में, अपने इमोशंस में आप स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ कॉइन, ये कार्ड फिर से उसी कार्ड के ऊपर रिपीट हुआ है। तो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी तो आपके पास आ रही है। टू ऑफ कप्स,
तो ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर ये कोई पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में। आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, म्यूचुअल लव नज़र आ रहा है। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं। ये एक ट्रू लव को भी शो करता है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। और वहीं कुछ लोग हैं जो काफ़ी सैड फील कर रहे हैं। किसी को हो सकता है हेल्थ इश्यूज हो रहे हों, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और कुछ लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि वो लाइफ में अकेले पड़ गए हैं, उनके पास कोई नहीं है। बट ऐसा नहीं है, आपके पास रिसोर्सेस हैं। चाहे आप किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हों, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, तो आपसे बोला जा रहा है आपके आसपास आपको देखने की ज़रूरत है। आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। फोर ऑफ सॉर्ड। आप अपने आप को काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं, आपको काफ़ी गुस्सा भी आ रहा है। तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको जो भी आप हर्ट फील कर रहे हैं, उससे आपको बाहर निकलने के लिए थोड़ा पॉज लेने की ज़रूरत है। थोड़ा काम होकर आपको सारी सिचुएशन को देखने की ज़रूरत है, तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे। द टावर। कुछ एंडिंग्स नज़र आ रही हैं। हो सकता है कुछ लोग डिवोर्स ले रहे हैं, कुछ आपने बिट्रेल देखा है अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में। तो कुछ लोग हो सकता है कि डिवोर्स ले रहे हैं, ब्रेकअप कर रहे हैं अपने पार्टनर से। ये आपकी लव लाइफ में ही या आपकी मैरिज लाइफ में ही कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। दी स्टार। आप किसी चीज़ के लिए विश करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ आपकी लव लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, वहीं आपकी करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। आप सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट में। फाइव ऑफ सॉल्ट। ये कार्ड आपकी स्टार्टिंग में आपकी गाइडेंस में भी आया था। तो वर्गोज, आप जुलाई मंथ में काफ़ी इमोशंस से गुजरने वाले हैं। कभी आप काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, कभी आप खुश नज़र आ रहे हैं, कभी आप सैड नज़र आ रहे हैं। आप अपनी करियर में काफ़ी अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट जहाँ तक बात है आपकी पर्सनल लाइफ की, तो वहाँ थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए नज़र आ रहे हैं और आप सैड भी नज़र आ रहे हैं, रिग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो भी स्टार्टिंग में मैंने आपको गाइडेंस दी थी, प्लीज़ उसे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। किंग ऑफ कप। तो आपको अपने इमोशंस में बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको इमोशनल होकर कोई बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं और किसी बड़े की गाइडेंस लेने की आपको ज़रूरत है। एक मेच्योरिटी के साथ आपको डिसीजंस लेने हैं। द टेम्परेंस। देखा, वही कार्ड आ गया। आपको यही बोला जा रहा है कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको इस वक्त गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। कोई भी बड़े डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं इस वक्त। आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको इस वक्त यूनिवर्स पर सरेंडर करने की ज़रूरत है। दी हैंगमैन। यही कहा जा रहा है आपसे कि आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको यूनिवर्स पर सरेंडर करने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन चल रही हैं, उन्हें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, उसके लिए आपको कोई बड़े डिसीजन अभी नहीं लेने हैं। आपको यूनिवर्स पर सरेंडर करने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। एस ऑफ वॉन्ड। आई थिंक ये कार्ड पहले भी आया था, इसी कार्ड के नीचे आया था। हाँ, ये पहले भी आया था ये कार्ड, और इसके नीचे भी ये कार्ड आया था। 3 बार ये कार्ड आ चुके हैं। तो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है और आपके करियर में काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। उसमें आप सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं, फेमस होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपके करियर फ्रंट में तो काफ़ी अच्छा चलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। दी एम्प्रेस। ये कार्ड आपकी गाइडेंस में भी आया था। तो आपको सेल्फ लव करने के लिए बोला जा रहा है और अबंडेंस तो आपकी लाइफ में आ रही है, और आपसे बोला जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है और अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। किसी के भी आगे आपको इतना नहीं झुकना है कि आप अपने आप की वर्थ को ही भूल जाएं। और बॉटम ऑफ द डेक में आया है टू ऑफ सॉर्ड। तो आप किसी चीज़ में या तो कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, या फिर आपके माइंड में कुछ इल्यूजन
चल रहा है जिसकी वजह से आप पेनफुल फील कर रहे हैं, बट आपसे बोला जा रहा है, हो सकता है कि ये सिर्फ आपके माइंड में चल रहा हो और रियलिटी में ऐसा कुछ भी ना हो जो भी आपको पेन दे रहा है। वर्गोस, आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड आए हैं 3 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप्स, ये दिखाता है कि आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूसरे लोगों की वजह से आ रही हैं। तो आपको म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके स्पाउस के फैमिली वाले कोई भी हो सकते हैं जिनकी वजह से आपके बीच में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको एक साथ मिलजुल कर इस चीज़ में एफर्ट लेने की ज़रूरत है, तभी आपका रिलेशनशिप अच्छा हो पाएगा, फुलफिलमेंट आपको मिल पाएगी अपने रिलेशनशिप में। आपको अपने पार्टनर को सपोर्ट करने की ज़रूरत है और एक साथ मिलजुल कर आपको अपने रिलेशनशिप में काम करने की ज़रूरत है। आपकी हेल्थ के लिए अच्छे कार्ड आए हैं, आपकी हेल्थ ठीक नज़र आ रही है। अगर आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स थी तो वो भी ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। आपके करियर के लिए कार्ड आए हैं 4 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ सॉर्ड, तो आप किसी चीज़ के ऊपर टेंशन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आप ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं जो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी नज़र आ रही है और आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, किसी अच्छे इन्वेस्टर से आपको सही गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, अच्छी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। और आपकी गाइडेंस में वापस वही कार्ड रिपीट हुए हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो पहले आपकी गाइडेंस में भी आए थे और ये आपकी रीडिंग के बीच में भी काफ़ी आए हैं। तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स तो आपके नज़र आ रहे हैं, या फिर ये ओवर थिंकिंग हो सकती है जो आप काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। हो सकता है इसी वजह से आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, आप कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और हो सकता है आप कुछ इल्यूजन में हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपको उतनी वैल्यू नहीं मिल रही जितनी आपको मिलनी चाहिए, आप इमोशनली डिससेटिस्फाइड लग रहे हैं अपनी अपनी लव लाइफ से, अपनी मैरिड लाइफ से। तो आपसे बोला जा रहा है कि अपनी ओवर थिंकिंग को कम कीजिए और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स में ना पड़िए, और जितना हो सके गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए और सेल्फ लव कीजिए। आपकी लव लाइफ में पहला कार्ड आया है 5 ऑफ कप, 9 ऑफ बॉन्ड। ऐसा लग रहा है अपनी अपनी पास्ट की एनर्जीज में आप स्टक नजर आ रहे हैं। हो सकता है कुछ फेलियर्स देखे हैं अपने अपनी लव लाइफ में जिसमें आप स्टक हैं, आप रिग्रेट कर रहे हैं, आप वो चीज़ नहीं देख रहे हैं जो आपके पास है। आप पास्ट की चीज़ों में या पास्ट में आपके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हो सकते हैं अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ, तो आप उन्हीं चीज़ों को लेकर बैठे हुए हैं, उन्हीं को पकड़ के बैठे हुए हैं। आपसे बोला जा रहा है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसे भूलकर आगे बढ़िए ताकि आपका रिलेशनशिप ठीक हो पाए। और अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, हो सकता है आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं या अपनी लव लाइफ में कोई पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है आप थक चुके हैं उस चीज़ का वेट करते करते, तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको बस थोड़ा सा पेशेंस और रखने की ज़रूरत है। जो भी आपकी विश है, जो भी डिज़ायर है, वो काफ़ी जल्दी पूरी हो सकती है, आपको थोड़ा सा पेशेंस और रखना है। और कुछ इल्यूजन भी नज़र आ रहा है, कोई मिस्ट्री भी नज़र आ रही है आपकी लव लाइफ में, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता है, जो आपकी आपको जाननी ज़रूरी है। इसीलिए हो सकता है आप अपने माइंड में ही इल्यूजन में हैं और अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं, या फिर रियलिटी में भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ें हों जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। तो इसका सल्यूशन यही है कि आप अपने पार्टनर से सीधे कम्युनिकेट करें और जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उन्हें बताएं और डिस्कस करें सारी प्रॉब्लम्स को, तभी कोई सॉल्यूशन आपको मिल पाएगा। क्योंकि आप बस सोचते रहेंगे और
अपने ही माइंड में अपने आप को ही पेन देते रहेंगे, तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिल पाएगा आपको। तो आपको अपने पार्टनर से बात करने की ज़रूरत है, जो भी मिस्ट्री आपको लग रही है उसको जानने की ज़रूरत है। मून को क्लेरिफाई करने पर आया है कार्ड दी वर्ल्ड, तो ये एक डिवाइन टाइमिंग में आपको पता चलेगा कि क्या मिस्ट्री है, क्योंकि आपका लाइफ का कोई फेज एंड हो रहा है और एक न्यू स्टार्ट हो रहा है, और ये एक डिवाइन टाइमिंग नज़र आ रही है। तो आप हो सकता है किसी पे क्रश कर रहे हो, तो जानना चाहते हैं आप, तो इसलिए मैंने ये क्लियरिफाई किया है। तो जो भी मिस्ट्री है ये आपको डिवाइन टाइमिंग आने पर ही पता चलेगी। और जो लोग भी अपने पास्ट में स्टक हैं उनसे यही बोला जा रहा है कि वो अपने पास्ट से निकलिए, और जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास है अपनी लव लाइफ में, हो सकता है आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपको पसंद करते हैं, आप उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आप अपने पास्ट में स्टक हैं, तो आपको अपने पास्ट को भूलने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब आपके करियर के लिए 3 कार्ड ले लेते हैं। पहला है 8 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स एंड दी एम्प्रेस। ये कार्ड थर्ड टाइम आया है आपकी रीडिंग में। ये एक स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी को भी प्रिडिक्ट करता है। तो जो भी वुमेन प्रेगनेंसी के लिए सोच रही थी, तो हो सकता है वो कंसीव कर सकती हैं इस मंथ। और आपसे बोला जा रहा है अगर आप किसी जॉब में हैं या फिर जो भी करियर है आपका जिसमें आप काफ़ी ऐसा लग रहा है थक चुके हैं, डेली आप एक ही काम कर करके थक चुके हैं, तो आपको थोड़ा चेंजेस करने की ज़रूरत है। आप अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आप जो जॉब चेंज भी कर सकते हैं, या अगर आप कुछ चेंज चाहते हैं तो आप कहीं घूम कर आ जाइए, कहीं अपना थोड़ा रूटीन चेंज करिए ताकि आप अच्छा फील कर पाएं। और आप कुछ सेलिब्रेट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ कुछ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कुछ सक्सेस आपको मिल रही है अपनी करियर में जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के फैमिली के साथ। और दी एम्प्रेस दिखाता है कि आपको अपने आपके करियर में अबंडेंस मिल रही है, ये चाहे जुलाई मंथ में आए चाहे देर से आए, बट आपको अबंडेंस मिलेगी ही मिलेगी। और बॉटम ऑफ द डेक में दोबारा आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये कार्ड पहले भी आया था। तो कुछ तो मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, ये कार्ड पहले भी आया था, स्टार्टिंग में ही आया था। तो कुछ बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में होते हुए नज़र आ रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये जुलाई मंथ में ही हो जाएं, क्योंकि ये मेजर चेंजेस हैं। तो ये क्योंकि दी वर्ल्ड का कार्ड भी चेंजेस बताता है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ का एक फेज़ एंड हो रहा है और एक न्यू फेज़ स्टार्ट हो रहा है जो काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है, जो आपके फेवर में होने वाला है। ओके, तो अभी जो भी चैलेंजेस आपको देखने पड़ रहे हैं उन्हें फेस कीजिए और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए। और ये कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड पहले भी आया था, तो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। और ये कार्ड मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है जो लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं वो काफ़ी जल्दी उनके लिए कोई रिश्ता आ सकता है और वो मैरिज कर सकते हैं, या वो अपने पार्टनर के साथ ही मैरिज कर सकते हैं। आपके लिए एंजल मैसेजेस देख लेते हैं हम। यस, तो आपने इस रीडिंग के बीच में अगर कोई भी क्वेश्चन किया था तो उसका जवाब यस है। इन द नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर हो सकता है आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे थे वो आपको फ्यूचर में मिल सकती है, जल्दी मिल सकती है, चाहे वो आपने अपने सोलमेट का वेट कर रहे थे चाहे मैरिज का वेट कर रहे थे। देयर इज समथिंग बेटर, तो आपके लिए कुछ और बेहतर लिखा हुआ है। कुछ लोग अपने पास्ट में स्टक थे तो उन्हें बोला जा रहा है कि उनके लिए और भी बेहतर है, तो उन्हें अपने पास्ट से निकलने की ज़रूरत है, और जो भी अपॉर्चुनिटी उनके पास है उसे देखने की ज़रूरत है। और बॉटम ऑफ द डेक में आया है रिकवरी, तो किसी चीज़ में रिकवरी आती हुई नज़र आ रही है, या आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपकी हेल्थ भी हो सकती है, और आपका करियर भी हो सकता है।
आई होप वर्गोस आपको इस वीडियो से कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिली हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वर्गोस।